हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं 8th क्लास के एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट, इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही ज़्यादा छोटे टॉपिक के बारे में। ठीक है, दैट इज़ द रोल ऑफ ज़ीरो एंड वन। ठीक है, कि ज़ीरो का क्या रोल होता है, वन का क्या रोल होता है। चलिए उससे पहले हम कुछ एग्जांपल उठा लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने उठाया है टू प्लस, अब मैं इसमें ऐड करती हूँ ज़ीरो, इट विल बी टू। अगर मैं कहती हूँ माइनस टू प्लस में ज़ीरो, तो वो आएगा माइनस टू। ठीक है, वन प्लस ज़ीरो विल बी वन, माइनस टू बाय सेवन प्लस ज़ीरो, माइनस टू बाय सेवन। ठीक है, और भी बताइए, और कुछ नंबर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ले लिया, ये हमारे पास क्या है, रैशनल, एंड ज़ीरो प्लस ज़ीरो गिव्स ज़ीरो। ठीक है, यानी कि जब मैंने ज़ीरो को किसी इंटीजर में ऐड किया, नेचुरल नंबर में ऐड किया, ज़ीरो को ज़ीरो में ऐड किया, रैशनल नंबर में ऐड किया, मुझे वही नंबर वापस मिल रहे हैं। दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। हम इसे क्या कहेंगे, एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ ज़ीरो। कि आप ज़ीरो को किसी भी नंबर में ऐड कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मान लीजिए आपको कोई कहता है कि फाइव को आप, फाइव है ठीक है, आप इसको कैसे लिख सकते हैं, टेन माइनस फाइव इट इज़ इक्वल टू फाइव, ट्वेंटी माइनस फिफ्टीन इज़ इक्वल टू फाइव। बट फाइव प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो प्लस ज़ीरो, आप जितनी मर्जी बार लिखिए, हमारे पास एक ही टर्म होगी, दैट इज़ कॉल्ड एडिटिव। ठीक है, इसी वजह से हम इसे एडिटिव आइडेंटिटी भी बोलते हैं, कि जब आपने इसको किसी में ऐड किया तो आपको वही नंबर वापस मिल गया। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, एडिटिव आइडेंटिटी। ये हमारे पास होती है एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, उसके बाद चलिए हम बात करते हैं वन की। ठीक है, द रोल ऑफ वन, वन। ठीक है, अब बात आई है वन की, जीरो को छोड़ के बाकी किसी भी नंबर को आप वन से मल्टीप्लाई कीजिए, हमें सेम नंबर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल वन इंटू वन गिव्स वन, टू इंटू वन गिव्स वन, वन टू टू गिव्स वन टू टू, माइनस टू बाय सेवन को वन से कीजिए, माइनस टू बाय सेवन। ठीक है, लेकिन ज़ीरो को नहीं, बिकॉज ज़ीरो के साथ मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो दे देती है। ठीक है, तो हमें तो सेम नंबर चाहिए, इसलिए हम ज़ीरो को ऐड करते हैं और वन को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पे देखिए, आपको हर जगह सेम नंबर मिल रहा है। ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेटिव एक्चुअली प्रॉपर्टी ऑफ वन। वन की ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है, और हम इसे क्या बोल सकते हैं, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, दैट इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, इसलिए जो जीरो का और वन का रोल होता है हमारे पास, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हमें आइडेंटिटी चाहिए होती है, इसलिए हम जीरो को तो ऐड करते हैं और वन को मल्टीप्लाई करते हैं। अब आप कहेंगे, हम जीरो को मल्टीप्लाई करें तब भी तो हमें जीरो मिल रहा है, लेकिन हमें चाहिए आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मीनिंग होता है दैट सेम नंबर, इसलिए वन को मल्टीप्लाई करते हैं और जीरो को ऐड करते हैं, तभी हमें वो सेम नंबर मिलता है। ठीक है, थैंक यू सो मच, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फॉर मोर यूजफुल वीडियोस सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।